हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने कोई कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उसमें अगर कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है एम्बेसी का कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करा दीजिए, या बायोमेट्रिक लेटर के लिए आपको कोई मेल नहीं आता है, अगर ऐसा होता है तो आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अगर आपका कोई डाउट होता है आप कॉमेंट में मैंशन कर सकते हैं। और इनकेस आप हमारी कोई वीज़ा सर्विसेज चाहते हैं तो हम आपको थ्रू आउट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9643960456। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप या फिर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेल के थ्रू बात करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है vpsglobe@gmail.com। तो इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट होता है, और या फिर हमारी मेल आप वीज़ा सर्विसेज चाहते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने एम्बेसी को बात पहुंचाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन पर कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो चुका है आपको बायोमेट्रिक दिए हुए, और या फिर आपका बायोमेट्रिक लेटर भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एम्बेसी से कैसे अपनी बात पहुँचा सकें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आप यहाँ पर, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप वेब फॉर्म फिल करें और उधर उसके थ्रू आप अपनी जानकारी पहुंचाएं। दूसरा तरीका होता है मेल के थ्रू। तो फर्स्ट तरीका हम बात कर लेते हैं पहले। तो पहला तरीका जो है, आपको वेब फॉर्म फिल करना होता है। तो वेब फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है IRCC वेब फॉर्म। उसके बाद आपका जो सबसे पहला पेज खुलता है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये पेज खुलता है, इसमें सारे डिटेल्स बताता है कि आपका कौन कौन से रीजंस हैं जो इसमें लिस्टेड हैं। अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो रिवर्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो फिनिश नहीं हुआ है। आपके जो भी रीज़न हैं, अगर वो इसमें से लिस्टेड हैं तो आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंक्वायरी का सेक्शन आ जाता है, इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है टेम्प्रेरी रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन, इस पर आपको जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रीज़न मेंशन करना होगा कि आप ये वेब फॉर्म फिल क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है नोटपैड के अंदर, तो ये फॉर्मेट मैंने यूज़ किया हुआ है, आप इसी फॉर्मेट में लिखें। तो यहाँ पर मैंने रिस्पेक्टेड सर मैम से स्टार्ट किया है, और आई राहुल शेरावत होल्डिंग पासपोर्ट नंबर ये, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मेरा पासपोर्ट नंबर ये है एंड माय वीज़ा एप्लीकेशन नंबर इज़ दिस। तो मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है, और मैंने आई अप्लाइड फॉर माय वीज़ा ऑन डेट 10 September 2020। तो मैंने अपना जो वीज़ा अप्लाई किया था 10 September 2020 को अप्लाई करा था, एंड आई गिवन माय बायोमेट्रिक ऑन डेट 15 August 2021, और मैंने अपना बायोमेट्रिक 15 August 2021 को दे दिया था। फ्रॉम पास्ट 8 months, पिछले 8 महीने से आई एम वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट ऑन माई एप्लीकेशन। तो मैं अपनी एप्लीकेशन के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ 8 महीनों से, बट स्टिल देर इज़ नो अपडेट, फिर भी कोई भी अपडेट नहीं आया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज़ टेक अ लुक। तो आप मेरी एप्लीकेशन को देखें उसको। तो इस तरीके से मैंने ये स्टार्टिंग आपको बता दिया है, इसके आगे आप जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है, उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, क्लाइंट आईडी नंबर, यूसीआई नंबर, आप जहाँ से आपने GIC अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ से आप ये नंबर ले सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद जो इंक्वायरी कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि एप्लीकेंट खुद कर रहा है या रिप्रेजेंटेटिव इंक्वायरी कर रहा है एप्लीकेशन के बारे में, या स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो एप्लीकेंट सेलेक्ट की, रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहता है तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ अभी के लिए मैं एप्लीकेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ दोबारा एप्लीकेंट का सरनेम, फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी, टेलीफोन, फ़ोन नंबर ये सब डालना है। इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है आपको डालना, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहला ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपको मेल का है, delhiimmigration@international.gc.a, इस पर आप मेल कर दीजिए। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, जैसे कि आपने वेब फॉर्म में प्रोवाइड की है उसमें अपना प्रॉपर तरीके से अपना
उसमें प्रॉपर तरीके से अपना एप्लीकेशन नंबर, यूसीआई नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपने कब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से आपको भरनी है ताकि उनको सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाए। तो आपको इस तरीके से अपना मेल आपको लिखना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।